लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। इसका स्थानीय नाम बेबी ड्रैगन है। यह पिछले 7 सालों से हेलिंग भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक निगरानी करने के बाद बताया नामक यह उभयचर सेलामेंडर कहलाती है। माना जा रहा है यह अंधी होती है। अपना 100 साल का जीवन पानी के अंदर बिताती है। इसका आवेश आवाज स्लोवेनिया से लेकर क्रोशिया जैसे बालकन देशों में भी है। बदलने के लिए तभी प्रेरित है जब उसे लगभग 12.5 साल में एक बार मेटिंग करना होता है। गुफा जीवन का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञानियों के लिए अच्छी खबर है कि क्रोशिया में 7,000 से अधिक ऐसी दुर्गम गुफाएं हैं जो इंसानों की पहुंच से दूर है। यहां सेलामेंडर के शरीर के अंश पानी में घुलने के बाद बाहर आए हैं। बताया इससे पहले ऐसे जानवरों की कल्पना की गई थी। यहां भारी बारिश के कारण यहां जीव बहकर गुफाओं से बाहर आने के बाद ही हम इन्हें देख पाए हैं। अन्यथा इन्हें देखने के लिए हमें गोताखोरों करके गुफा में जाना होता है। लेकिन आपके पानी में मौजूद अंशों को देखकर यह बता सकते हैं कि वे वहां हैं या नहीं। और वोरोस ने बताया उनकी टीम ने एक तकनीक का इस्तेमाल कर सेलामेंडर के एनवायरमेंटल डीएनए पर सर्वे किया है। यह तकनीक से पहले अन्य जीवों पर आजमाई गई है, लेकिन गुफाओं में पाई जाने वाली प्रजातियों में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए 2014 की गर्मियों में 15 गुफाओं के पानी के सैंपल एकत्रित किए गए थे। प्रत्येक गुफा से 2 लीटर पानी लेकर पेपर फिल्टर कर डीएनए निकाला गया। इसके बाद यह माना गया कि 10 गुफाओं में मौजूद है। इस खबर से संबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताएं और ऐसी खबरें पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।